फ्रेंड्स, टुडेज क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 15,000 एंड 500 इज स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर. इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल दे रखा है 15,000, कॉस्ट ऑफ रिपेयर दे रखा है 1500, ओवरऑल सीपी दे रखा है हमारा, यानी कि ओवरऑल सीपी कितना हो गया हमारा, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इतना था, कॉस्ट ऑफ रिपेयर इतना आया, तो ओवरऑल सीपी हो जाएगा 15,000 प्लस 500 विच इज़ 15,500 हो जाएगा. अब प्रॉफिट दे रखा है 20%, तो अगर प्रॉफिट 20% होता है तो हमें एसपी निकालना होगा किस सेलिंग प्राइस पे बेचा होगा इस आर्टिकल को आफ्टर रिपेयरिंग, कि जो प्रॉफिट हुआ वो 20% हुआ. तो एसपी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, अगर एसपी निकालना है, अगर सीपी और प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो इसका होता है हमारा 1+P% / 100, ये होता है. तो सीपी कितना दे रखा है हमारा 15,500, ठीक है, एंड ब्रैकेट में आ जाएगा 1+% प्रॉफिट परसेंट दे रखा 20/100, तो ये निकल जाएगा हमारा 15,500 और अंदर बचेगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 120/100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो आप मल्टीप्लाई कर देना आपको 15,155 को 120 से, यानी कि हमारा समथिंग आएगा 18,600. यानी कि अगर आर्टिकल को 18,600 पे बेचेंगे तो 20% का हमें प्रॉफिट होगा. जैसे फाइन, सो दिस इज़ आर एसपी सेलिंग प्राइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.